साहेब थोड़ा तो रहम खाइए, कल ही तो जेवर गिरवी रख के 4 इंजेक्शन बड़ी मुश्किल से खरीद पाए थे, आज हमारी अम्मा भी नहीं बच पाई। अब आप कह रहे हैं 50,000 अभी और लगेंगे। हाथ जोड़कर खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी अस्पताल के मैनेजर से बोला, अरे भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये सब तो अस्पताल के खर्चे हैं। खैर मनाइए कि आपको ऐसे वक्त में बेड ही मिल गया, यहां तो लोगों को बेड भी नहीं मिल रहे हैं, मैनेजर ने उसे समझाते हुए कहा। जान तो फिर भी नहीं बची ना साहब, चलो ये बात तो हम समझते हैं कि इस बीमारी में बड़ा मुश्किल था बचना, फिर भी डॉक्टर साहब से एक बार बात कर लीजिए, उन्होंने तो कहा था कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। मदद पाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए उस आदमी ने कहा, देखिए वो डॉक्टर हैं और मैं यहां का मैनेजर, हम लोग इस अस्पताल में काम करते हैं, यहां के मालिक नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप पैसों का बंदोबस्त कर लाइए और बॉडी को ले जाइए। मैनेजर ने अपनी मजबूरी बतलाते हुए उस आदमी को समझाया, ठीक है साहब, देखता हूं किसी से उधार लेकर सारा पैसा जमा करा दूंगा। रुआंधा चेहरा लिए उसने मैनेजर को भरोसा दिलाया, ठीक है, और हां कैश पेमेंट करना, तो फिर तुम्हारे कुछ पैसे भी बच जाएंगे। थोड़ी मदद करने की कोशिश में मैनेजर ने उससे बोला, ठीक है साहब, कहते हुए वो गेट की ओर चल पड़ा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, मैनेजर ने जाते जाते उससे पूछा। सज्जन है साहब, मुड़कर उस आदमी ने अपना नाम बताया और वहां से चला गया। 20 दिन बाद, का हो सज्जन, आज तो बड़ा लंबी लाइन लगवा दिए हो यार, इस बार तो लगता है साल भर का कमाई 2 महीने में पूरा हो जाए, एक दुकानदार ने सज्जन से कहा। तुम हूं यार, यहां महामारी फैली है, सबकी जान जोखिम में पड़ी है और तुम का कमाई की लगी पड़ी है, बात काटते हुए सज्जन ने जवाब दिया। साले तुम कब से भगत बन गए, भौहें उचकाते हुए दुकानदार बोला। भगत नहीं भाई, इस महामारी में भी अगर हम शमशान वाले मुनाफे का सोचेंगे तो लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा, दुकानदार को समझाते हुए सज्जन ने कहा। अच्छा अब समझ आवा, तोर अम्मा भी इस महामारी में मरी है ना, शायद इसीलिए नरम दिल हो ही गवा है, वरना पांडे के यहां तो कब से 10 गुना 4 चल रहा है, सज्जन की बात काटते हुए दुकानदार बोला। हो सकता है भाई कि अम्मा के जाय से बदल गवा, मगर जो भी है इस समय हम सबका एक दूसरे का गलत फायदा नहीं उठाए के चाहिए, दुकानदार से सहमत होते हुए सज्जन बोला। ठीक है समझ गवा, जा देख लगता है फिर कोई कोरोना वाली बॉडी आई है, शमशान के गेट की ओर इशारा करते हुए दुकानदार बोला। अरे तुम्हारा नाम सज्जन है ना, और तुम यहां काम करते हो, अस्पताल के मैनेजर ने सज्जन को देखकर कहा। हां साहब, आपकी याददाश्त तो बड़ी अच्छी है, हमें आपने तुरंत पहचान लिया, अस्पताल आए तो हमें लगभग 10 दिन हो गए होंगे, वैसे कोई रिश्तेदार खत्म हो गया क्या, फिक्र जताते हुए सज्जन ने पूछा। नहीं भाई, हमारे अस्पताल के मालिक की बीवी खत्म हो गई, मालिक अभी खुद भी बीमार हैं, तो हमको ये सारा क्रियाकर्म का जिम्मा दे दिया, मैनेजर ने अपने शमशान आने की वजह बताई। ओहो, बड़ा दुख हुआ जान के, दुख जताते हुए सज्जन बोला। वैसे तुमसे एक बात कहनी थी, उस दिन मैं अस्पताल में सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था, मगर हमारे मालिक थोड़े अलग स्वभाव के हैं, उन्हें आपदा में अवसर उठाने का शौक है, अपनी मजबूरी बयान करते हुए मैनेजर ने सज्जन से कहा। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब आप डेड बॉडी को अंदर भिजवा दीजिए, सज्जन बोला। ठीक है, वैसे सब क्रियाक्रम में कितना लग जाएगा, वो मालिक को हिसाब भी देना पड़ेगा ना, मैनेजर ने सज्जन से पूछा। जहां तक है 1.5-2 हजार में हो जाएगा सब, सज्जन ने जवाब दिया। क्या बस इतने में, मैंने तो किसी से पता किया था तो उसने बताया 25,000 लग रहे हैं आजकल, चौंकते हुए मैनेजर बोला। अरे साहब अब क्या बताएं, हमारे यहां भी आपदा में अवसर उठाने वालों की कमी नहीं है, सज्जन ने भी अपने समाज की व्यथा बताते हुए कहा। वो तो है, वैसे तुम भी चाहो तो 25 ही रख लेना, हमारे मालिक ने भी तो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया था, मैं उनसे इतने ही बता दूंगा, तुम्हारी कुछ तो भरपाई हो जाएगी, एक सुझाव देते हुए मैनेजर बोला। नहीं साहब, मेरी भरपाई तो अब कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी अम्मा को खोया है, और वैसे भी इस महामारी के समय में भी लोगों का फायदा उठाने वालों का अंजाम आपकी आंखों के सामने ही है, क्योंकि हम अपने कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में करके जाते हैं, उदास मन से सज्जन ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए कहा। वाह सज्जन भाई, तुम्हारा तो काम भी सज्जन निकला,
मन खुश हो गया तुमसे मिलके। शायद तुम जैसों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है, मैनेजर ने सज्जन की तारीफ करते हुए कहा। आजकल आए दिन खबरों में महामारी में मजबूर लोगों के शोषण की खबरें आती रहती हैं। वजह यह है कि समाज ही समाज को खाए जा रहा है। ऐसे मुश्किल समय में हम सभी को सज्जन जैसा ही बनना होगा, ताकि इस महामारी को हम सब मिलके हरा सकें।